सॉरी, आज की इस वीवीए क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और चीजें, जैसे कि कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल वगैरह वगैरह, कि कैसे यूज करेंगे, उसका कोड क्या होता है। तो चलिए एक्सेल 2016 में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वीवीए के नेसिक। तो छोटा सा डेटा ले लेता हूं मैं। तो मुझे क्या करना है कि अपने डेटे को एक शीट से दूसरे शीट पे कॉपी करके पेस्ट करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे और किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, चलिए इस पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सब्जेक्ट लिया, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन की, डेटा को सिलेक्ट कैसे करें। तो दो तीन क्लासेस पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जैसे कि हमारा जो भी सिलेक्शन मेथड है A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, यस, इसके अलावा और भी जो भी फंक्शन ले सकते हो। तो यहां पे करेंगे हम सिलेक्शन डॉट कॉपी, सिलेक्शन डॉट कॉपी। उसके बाद पेस्ट करने के लिए पर्टिकुलर शीट पे जाए, शीट टू पे जाना है। तो शीट टू डॉट सेलेक्ट, शीट टू को हमने सेलेक्ट कर लिया। राइट और फिर हमें पेस्ट करना है, तो लिखेंगे कि एक्टिव शीट, शीट टू पे जाना है, फिर सिलेक्ट करना है कहां पे पेस्ट करना चाहते हो आपको। तो मुझे पेस्ट करना है रेंज A1 पे, A1 डॉट सिलेक्ट, और फिर करेंगे शीट्स टू या एक्टिव शीट भी कर सकते हैं यहां पे, एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। राइट, तो पंकज जी, रोहित जी या सतीश जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो सर। क्योंकि जो पेस्ट है वो सीट का पार्ट है, ध्यान रखिए यहां पे, जो पेस्ट क्या है, सीट का पार्ट है। इसलिए जब भी हम पेस्ट करेंगे, बट सर ये रेंज A1 सिलेक्ट करने के बाद आपने एक्टिव शीट डॉट पेस्ट लिखा है। हाँ, तो मैंने आपको ही ना बोला कि एक्टिव शीट तो हम सीट टू पे चले गए ना, तो फिर एक्टिव शीट या फिर सीट टू लिख सकते हो, लेकिन जब जो ही सीट एक्टिवेट है हमें पता ही है उसको पेस्ट करना है, तो फिर क्या दिक्कत है। तो सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे कि रेंज A1 सिलेक्ट, वो हमारी शीट तक तो हो गई ना, अब हमारी शीट है, शीट को हमने सिलेक्ट किया है। बेसिकली क्या है ना, जो पेस्ट है वो रेंज का पार्ट नहीं है, रेंज का मेंबर नहीं है, वो सीट का मेंबर है सर। ओके, तो हमें जो पेस्ट का ऑप्शन लगाना होगा तो सीट पे लगाना होगा ना कि रेंज पे। ओके, समझे? थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर यहाँ, आप पेस्ट का मतलब क्या कह रहे हैं, मेंबर? यार समझे नहीं, हम पेस्ट रेंज पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे पेस्ट नहीं लिख सकते क्योंकि मेंबर, मेंबर नहीं पता आपको, ये ऑब्जेक्ट है। ये जो आपका A1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सीधर वाले को,
डॉट से दोबारा के बोलते हैं मेंबर, मेथड, प्रॉपर्टी, एलिमेंट, तीन में तीन तरह के मेंबर होते हैं। तो पेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको एरर देगा, क्या लिख रहा है आपको, अनेबल टू गेट करेंट रीजन, ये दूसरा ये एरर यहां पर अब रन करता हूं, देखिए क्या एरर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दिस प्रॉपर्टी और मेथड, मतलब रेंज पेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम A1 डॉट सेलेक्ट कर लिए, क्यों, क्योंकि मुझे A1 पे जाके पेज करना है, हमने यहां पे आके पेज करना है, ओके okay? लेकिन हम कंट्रोल वी करते हैं या फिर होम के पेज पे क्लिक करते हैं तो एक इसका पार्ट है और शीट का पार्ट है, शीट का नंबर है, तो मुझे यहां पे एक्टिव शीट डॉट पेज कर दू या फिर शीट 2 डॉट पेज कर दू। शीट टू हम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम शीट टू को तो ऊपर सेलेक्ट कर ही रखे हैं, पता है कि एक्टिव शीट है, समझ गए जी। मतलब कि आपको जिस शीट पे पेज कर, आपको क्या करना है, पहले एरिया को सेलेक्ट करना है, फिर कॉपी करना है, फिर जहां जिस सीट पे पेश करना चाहते हो उस सीट पे जाओ, अगर सेम सीट पे पेश करना है तो जाने की जरूरत नहीं है, अगर अनोदर सीट पे जान पेश करना है तो फिर उस अनोदर सीट पे जाना पड़ेगा, फिर किस अनोदर सीट पे किस एरिया में पेश करना है, किस रेंज पे पेश करना है, उस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक्टिव सीट डॉट पेस्ट या सीट डॉट पेस्ट जो भी है आपको लिखना होगा, क्योंकि सीट रेंज का पार्ट नहीं है, रेंज का मेंबर नहीं है, रेंज का मेथड प्रॉपर्टी नहीं है, और सीट का प्रॉपर्टी है, तो पेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको सीट के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, समझे आप रोहित जी? समझा जी, क्लियर है सर, ओके। लेकिन एक और तरीका है इससे आसान करने का, अब इस कोड को मैं आसान करता हूं, देखिए मैं लिखूंगा रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, हमने क्या किया बिना सिलेक्ट किए ही कॉपी कर लिया, अगर मुझे सिर्फ कॉपी ही करनी है तो सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो कि हमें सिलेक्शन से कॉपी से पहले जैसे कि कुछ और करना है, जैसे करेंट रीजन करना ही करना है, आपको विजुअल सेल्स ओनली करना है, ये सब चीजें होता है ना, गो टू स्पेशल जिसको बोलते हैं वो करना है, तो फिर हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे कौन सा सिलेक्शन इस मेथड को, लेकिन मुझे सिर्फ यहां कॉपी करना है तो हमें इस लाइन को स्किप कर दिया हमने, हमने डायरेक्ट कॉपी को यहां सिलेक्ट करके लगा दिया, ठीक है, तो बिना सेलेक्ट किए कॉपी कर देगा, उसके बाद मुझे पेस्ट करना है तो मैं क्या करूंगा सीट रेंज सीट डॉट यहां पे सीट टू डॉट रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल। अब पेस्ट स्पेशल क्यों किया हमने, जैसे हम कॉपी करते हैं, आप कॉपी करके कहीं पे पेस्ट कर, पेस्ट ना करके हम पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो पेस्ट स्पेशल में कुछ सिलेक्ट ना करूं जस्ट ओके करूं तो भी कॉपी पेस्ट की तरह ही होता है ना जी। तो यहां पे क्या हुआ, इससे फायदा क्या हुआ कि हमें सीट एक्टिवेट करने का बाद हो गया, हम दो ही लाइन में, हमारा जो कोडिंग कितने लाइन का था, ये आपका 5 लाइन कोडिंग 2 लाइन में आपका, क्योंकि पेस्ट स्पेशल रेंज का पार्ट है तो हम बिना सीट को एक्टिवेट किए भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। आई थिंक कर सकते हैं, कर सकते हैं आई थिंक, मैं एक बार इसको रन करता हूं, जाइए डिबग करके ऊपर का चीज रन नहीं करती ना, पेस्ट हो गया, समझ गए। तो दो मेथड है, जो सुटेबल लगे वो आप यूज कर सकते हो। तो
तो इसको यूज करने में, इसका यूज करने में क्या होता है कि हमें सीट डॉट एक्टिवेट करने का झंझट जो होता है, दूसरे सीट पे जाने का झंझट होता है, वो बच जाता है। मान लीजिए ना कि आपको कई सारे सीट का डेटा कॉपी पेस्ट करने, तो हर सीट पे जो एक्टिवेट करने का कोड होगा वो बच जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूं, मुझे तीन सीट है, तीनों सीट का डेटा मुझे डेटा सीट पे पेस्ट करना, डेटा नाम का सीट है, इस पर एक के नीचे एक पेस्ट करना है। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। सब्जेक्ट आर आर स्लैश वन ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो अगर हम इस मेथड के अकॉर्डिंग चले तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा सबसे पहले सीट्स, पहली सीट डॉट एक्टिवेट या सिलेक्ट जो भी लिखे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे रेंज a1 dot current region, current region dot select, selection dot copy, फिर sheets data dot select, फिर range a65000 dot and dot xls up dot offset 1,0 dot select, फिर active sheet dot paste, समझे? तो ये क्या करेगा, अब एक 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 कोड के लिए हो गया। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूं नीचे की तरफ, फिर दूसरे शीट के लिए हो जाएगा, फिर तीसरे शीट के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तीनों शीट का डेटा कॉपी पेस्ट कर देगा एक के नीचे एक के नीचे। ये तो हो गया हमारा एक मेथड। अब हम पेस्ट स्पेशल का मेथड को देखते हैं कि पेस्ट स्पेशल का मेथड कैसे लिखेंगे। तो सब्जेक्ट आर आर स्लैश टू करते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और फिर हम लिखेंगे रेंज, पहले सीट को सिलेक्ट करना होगा ना, हाँ, सीट्स डॉट आई आई नहीं सॉरी वन वन डॉट सिलेक्ट, राइट, रेंज a1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, देन सीट्स डेटा डॉट रेंज a65000 डॉट एंड एक्सल आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट, बस। अब देखिए कितना आसान हो गया, ठीक है। यहां पे वन के जगह दूसरा सीट हो जाएगा और यहां तीसरा सीट, सर। रोहित जी, सतीश जी एंड पंकज जी, सर।
समझ में आया? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी सर। तो एक अलग जब प्रोग्रामिंग करते समय हम अलग अलग मेथड को इसी तरीके से चूज करते हैं। अब पेस्ट स्पेशल तो यूज कर ही रहे हैं, आप पेस्ट स्पेशल की चीजें को देख ली। अब पेस्ट स्पेशल हमने जो इस्तेमाल किए हैं चलिए उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में हम सिर्फ अभी तक जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो पेस्ट स्पेशल अगर आप करते हैं जैसे कि हमने मान लीजिए कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन करेंट एरे हो गया, करेंट रीजन डॉट कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम जगह जगह पेस्ट करते हैं तो पेस्ट करने का क्या होगा, जहां भी पेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए इसी सीट पे G1 पे पेस्ट कर रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल में अगर हमने यहां पे स्पेस मार के अगर ये चीजें पेस्ट स्पेस मान लो कुछ नहीं लिखा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा और हमने पेस्ट ऑल सेलेक्ट कर लिया फिर भी ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन मुझे पेस्ट ऑल नहीं करना, मुझे पेस्ट एज अ वैल्यू फॉर्मूला करना है। तो यहां पे देखिए सारा चीजें, जैसे कि अगर हम बात करें कि पेस्ट एज अ वैल्यू, पेस्ट एज अ फॉर्मूला, तो मैं पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया तो फॉर्मूला रिमूव, फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिमूव करके पेस्ट करेगा, ठीक है? तो अगर आप मान लें पेस्ट एज कमेंट करना है, पेस्ट एज आपको फॉर्मेट करना है, पेस्ट एज वैलिडेशन करना है, वैल्यू करना है, वैल्यू नंबर फॉर्मेट करना है, तो जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हो। मतलब कि जब आप कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करते हो, पेस्ट स्पेशल, तो इन ऊपर जो पेस्ट का पार्ट होता है ना, वैल्यू फॉर्मेट फॉर्मूला कमेंट वैलिडेशन, वो जो चीजें सिलेक्ट करते हो वो चीजें आप यहां जैसे स्पेस मारोगे ये आपको आ जाएगा, जो चाहिए वो कर दे। मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू कर दिया, फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला, ऑल चाहिए ऑल, राइट? अब उसे एक चीज और होता है कि इसके 20 लिखा यहां पे 25 30 लिखा, तो 30 को लेके 20 पे हम पेस्ट कर देते हैं तो क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन अगर मैं पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करूं, अगर मैं पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल करूं और यहां पे ऐड करूं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है? तो ये चीजें लेनी है तो इसी में कॉमा कीजिएगा, यहां पे आएगा कि आपको ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है? नन कुछ नहीं करना है, राइट? तो ये चीज आप ले सकते हो। दूसरा इसमें एक और आता है, जैसे कि हम लोग एंट्री करते हैं तो हमारा स्किप ब्लैंक होता है, जैसे कि हमने यहां पे एंट्री कर दी और यहां एंट्री कर दी, तो अगर मुझे सिर्फ ब्लैंक्स को छोड़ना है, इसी को लेना है तो पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्पेशल हम लोग स्किप ब्लैंक लेते हैं, तो स्किप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ब्लैंक स्किप होगा। तो यहां पे जो कोड लिखेंगे, और कोड लिखेंगे यहां पे जो लिखेंगे कोड, इसी में हम कॉमा करेंगे कि स्किप ब्लैंक,
तो ये क्या है, एक ही बटन चेकबॉक्स है, इसे ट्रू एंड फॉल्स होगा, जहां चेकबॉक्स होता है ट्रू होता है, अगर क्लिक करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। फिर ट्रांसपोज सेम है, अगर ट्रांसपोज है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ट्रांसपोज करना है तो ट्रू की अदरवाइज फॉल्स कीजिए, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल ये सारी चीजें होती है, समझ में आ गया आपको? अब एक चीज और आती है कि अगर मान लीजिए मुझे पेस्ट एज ए लिंक करना है, मुझे कॉपी करके यहां पेस्ट करना है और पेस्ट स्पेशल में मैं पेस्ट एज ए लिंक करना चाहता हूं, पेस्ट एज ए लिंक, ताकि जब मैं इसको चेंज करूं तो वो भी चेंज हो, समझे। तो पेस्ट एज ए लिंक अगर आपको करना है तो क्या होता है, तो पेस्ट जब हम हमारा सीट का ही पार्ट है तो हम सीट को ही लेंगे, और जैसे हम कॉपी करके इस पे सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में आपके पास पेस्ट एज ए लिंक होता है। तो उसके लिए बाकी चीजें सेम रखते हैं, बस यहां पे जो कोडिंग होता है देखिए यहां पे लिखेंगे सीट वन डॉट पेस्ट और डेस्टिनेशन छोड़िए यहां लिंक जो होता है इस पे ट्रू हो जाता है, ट्रू कर देते हैं इट मीन्स कि वो पेस्ट एज ए लिंक हो गया। सभी देखिए रिकॉर्ड किया था तो पेस्ट लिंक इक्वल टू ट्रू, तो आपका पेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से पेस्ट एज ए पिक्चर होता है कि एक डेटा का कॉपी जो आपने किया है उसको आप पेस्ट एज ए पिक्चर करना है, तो पेस्ट डॉट नहीं, पेस्ट एज ए पिक्चर जो होता है वो कुछ और होता है, एक मिनट, पेस्ट एज ए पिक्चर कोडिंग थोड़ी सी मैं भूल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, पेस्ट एज ए पिक्चर, ओके माफ कीजिएगा, दूसरा होता है ये आता था एक्टिव शीट डॉट पिक्चर्स डॉट पेस्ट इक्वल टू सेलेक्ट, पेस्ट होगा सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब कि मैं चाहता हूं जो सिलेक्टेड कॉपी एरिया है उसको पिक्चर करना, तो मैं कोड यहां लिखूंगा डॉट पिक्चर, डॉट पेस्ट, ठीक है, और इसी में लिंक करना है, इसी में अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि पेस्ट से पिक्चर लिंक हो तो उसके लिए भी हम कोड लिखते हैं, तो उसके लिए कोड क्या होता है ब्रैकेट में लिख देते हैं कि पेस्ट, या हमने पिक्चर्स करने थे, माफ कीजिएगा हमने पिक्चर कर दिया, हमें पिक्चर्स करने थे यहां पे पिक्चर्स, तो पेस्ट एज ए पिक्चर्स, पेस्ट एज ए पिक्चर करते हो सीट पर्टिकुलर सीट में, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, पेस्ट यहां पे लिंक इक्वल टू ट्रू कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा ना, जैसे मैंने पेस्ट में आया यहां ब्रैकेट ओपन किया और हमने लिंक इक्वल टू ट्रू कर दिया, अच्छा डॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपको पिक्चर पेज मतलब कि पिक्चर लिंक आपका पेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना सीख गए, आप पेस्ट स्पेशल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने पेस्ट एज लिंक एंड पिक्चर लिंक के बारे में डिस्कस किया, पेस्ट एज पिक्चर के बारे में डिस्कस किया, राइट। और हाँ, लास्ट क्लासेस में आपके साथ हमने बोला था कि फॉर्मेटिंग्स बना के भेजने के लिए आप लोगों ने किसी ने नहीं भेजा, सर ऐसे मत कीजिए, थोड़ा बहुत बना के भेजिए, और मैंने कल वीडियो भी अपलोड कर दिया था टाइम से, सर अपलोड तो नहीं हुआ, सर अपलोडेड है, देख लीजिए अपलोडेड है, मेल पे अपलोड नहीं हुआ सर, मैंने भी देखा था सर, कब देखा था, मॉर्निंग में देखा था आज अभी भी,
क्या कल शाम को हो गया सर, अपलोड हो गया है सर, कल का कुछ भी नहीं आना, कोडा कल रात के 10 बजे तक का वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कीजिए। मैंने शाम में नहीं आया सर मेल पे, वीडियो आपने लेट अपलोड, कोड मैं नहीं भेज पाया था क्योंकि मैं गलती से फाइल को सेव नहीं किया था। पर कल वाला कोड और पिछले दो दिन वाला कोड दोनों भेज दीजिए। नहीं सर, कोड फाइल में होती है ना, फाइल हम हर फाइल सेव नहीं करते ना, इसलिए कल फाइल बिना ये हैंग होके बंद हो रहा था ना, तो बंद हो गया था, कोड चली गई थी उसमें, लॉस्ट हो गया था। तो वीडियो तो वीडियो अपलोडेड है, वीडियो आप ड्राइव में देखिए, आप कितना बोलूं मैं आपको कि वीडियो अपलोडेड है सर,